नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है लेकिन बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हों, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनि देव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कॉमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिव जी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं उपायों को करने की एक मुहूर्त है तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है,
तो दोस्तों ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप, चलिए दोस्तों आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें बस एक डाल देना है। इतना अगर आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनि देव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का, ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा मां। आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है शनिवार की रात को। आपको क्या क्या लेना है तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 11 लौंग 5 कपूर 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लौटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक है, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है। तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यह उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। इस जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आप, क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो कि बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे।
अपने व्यापार के साथ तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। यह किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, होने दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन बंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है। दोस्तों शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शनिवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो जाएंगे और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।